हेयर फॉल या बाल गिरना गंजापन एक बड़ी समस्या है और आज के इस वीडियो में हम इस समस्या के समाधान यानी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशंस, इसके बाद होने वाली प्रॉब्लम्स, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले और बाद में किन बातों का ध्यान रखें, क्या सावधानियां बरतें जिससे इन प्रॉब्लम से बचा जा सके और इसकी सबसे बढ़िया तकनीक कौन सी है, साथ ही आपके कुछ सवालों के जवाब जो हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर आपके मन में घूमते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है और इसके कौन कौन से टेक्निक्स हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जो स्पेशली उन लोगों के लिए की जाती है जिनके बाल बहुत ज्यादा गिर गए हैं, बाल्ड हो गए हैं और जो बालों की नेचुरल ग्रोथ वापस चाहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की दो मेन टेक्निक्स होती हैं जो आजकल यूज होती हैं, FUE and FUT। FUE मतलब फोलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। FUE में हेयर फॉलिकल्स को एक एक करके स्काल्प से निकाल के दूसरी जगह पे लगाया जाता है जहां पे बालों की ग्रोथ नहीं है या आप जहां पे बाल ग्रो करना चाहते हैं। ये मेथड ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि एक एक फॉलिकल को केयरफुली ट्रांसप्लांट करना होता है, लेकिन इससे जो छोटे छोटे निशान बनते हैं वो वक्त के साथ ऑलमोस्ट गायब हो जाते हैं, इसलिए FU वाले पेशेंट्स को यूजुअली ज्यादा विजिबल स्कार्स नहीं दिखते हैं और रिकवरी भी थोड़ी फास्ट होती है। दूसरा होता है FUT यानी कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। FUT में क्या होता है, स्काल्प के पीछे से एक छोटी सी स्ट्रिप यानी एक लंबी लाइन निकाल ली जाती है और इस स्ट्रिप में से फॉलिकल्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस टेक्निक में एक ही स्ट्रिप निकालने की वजह से थोड़ा बड़ा स्कार रह जाता है जो टाइम के साथ विजिबल भी रह सकता है। FUT थोड़े एडवांस्ड केसेस में रिकमेंड किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है अगर उनके स्काल्प में फॉलिकल्स लिमिटेड हो। यानी अगर आप कम स्कार्स और फास्ट रिकवरी चाहते हैं तो FUE आपके लिए बेस्ट हो सकता है, और अगर आपका ज्यादा डेंसिटी चाहिए और स्कैरिंग की उतनी फिक्र नहीं है तो FUT भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब सवाल ये उठता है कि बेस्ट टेक्निक कौन सी है। जनरल केसेस में FUE यानी पहली टेक्निक ज्यादा बेहतर मानी जाती है क्योंकि इसमें स्कार्स कम होते हैं और रिजल्ट्स भी नेचुरल लगते हैं, लेकिन ये फैसला आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर ही लें जो आपके केस को स्टडी करके उसके हिसाब से आपको एडवाइस करेंगे। अब बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद होने वाले प्रॉब्लम्स और उनके समाधान के बारे में। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और साइड इफेक्ट भी होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको इनको समझना और जान लेना चाहिए ताकि आप इस सब के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। सबसे पहला होता है स्वेलिंग। ये काफी कॉमन है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फोरहेड और आईज के आसपास में स्वेलिंग हो सकती है जो 2 से 3 दिन में सेटल हो जाती है। इसके लिए डॉक्टर आपको कुछ एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन या आइस पैक रिकमेंड करते हैं जिससे आपको रिलीफ मिल जाता है। नंबर 2, इन्फेक्शन। ये एक सीरियस रिस्क है, लेकिन अगर आप अपने स्काल्प को ड्राई रखें, डॉक्टर की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो इसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन इससे बचना पड़ेगा अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। तीसरा, इचिंग। इचिंग हेयर ट्रांसप्लांट के बाद काफी कॉमन होती है, लेकिन स्काल्प को हाइड्रेटेड रख के, मॉइस्चर रख के इन समस्याओं से भी आप पार पा सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस और डॉक्टर के रिकमेंडेशन से जो शैम्पू उन्होंने दिया है स्काल्प को अगर वॉश करेंगे तो इसमें काफी मदद मिल जाती है। नंबर 4 होता है शॉक लॉस। इसमें कुछ ट्रांसप्लांटेड हेयर या आपके ओरिजिनल हेयर्स भी जो टेम्परेली गिर जाते हैं, डॉक्टर से फॉलो अप और प्रॉपर स्काल्प केयर से आप इस प्रॉब्लम से भी पार पा सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे कॉमन जो 2 सवाल लोग पूछते हैं जिसको लेकर उनके मन में हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में एक डर बना रहता है, जिसमें से पहला सवाल होता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी बाल गिरते हैं या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ वीक्स के बाद शॉक लॉस होना काफी कॉमन है, यानी आपकी स्काल्प की स्किन को एक शॉक लगता है कि अरे ये क्या हो गया, जहाँ कुछ नहीं था वहां पर ये कहां से चीजें आ गई। ये स्किन का एक नेचुरल रिएक्शन होता है जिसमें ट्रांसप्लांटेड और कुछ ओरिजिनल हेयर जो है वो टेम्परेली गिर सकते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये बाल इवेंचुअली 3 से 4 महीने में वापस आ जाते हैं और फिर परमानेंट रिजल्ट देखने को मिलता है। नंबर 2, जो दूसरा सवाल है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कितने दिनों में बाल आ जाते हैं और
नए बाल कब तक यानी कितने दिनों तक रुके रहते हैं? इसका जवाब है इनिशियल 2 से 3 महीने थोड़ा पेशेंस रखने वाले होते हैं। ये फेज ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स के सेटल होने का होता है, 6 महीने बाद प्रॉपर हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है और 1 साल में आप फुल रिजल्ट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बाल बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आपके ओरिजिनल बाल होते हैं, वैसे गिरते हैं वैसे बढ़ते हैं। चलिए अब हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। जनरली अगर आप ट्रस्टेड सर्जन और सर्टिफाइड क्लिनिक में ट्रीटमेंट करवाते हैं, ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रेयर केसेस में ये चीजें हो सकती है, जैसे स्कारिंग। एफयूटी टेक्निक में स्कारिंग बहुत ज्यादा कॉमन है, तो काफी लंबे समय तक विजिबल रह सकती है, इसलिए एफयूई टेक्निक्स को प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि इसमें स्कार्स काफी कम होते हैं। नंबर 2, थिनिंग ऑफ ट्रांसप्लांटेड हेयर। टाइम के साथ कुछ लोगों को जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो थोड़े थिन हो सकते हैं, लेकिन रेगुलर पीआरपी थेरेपी और हेयर केयर से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा, फोलिकुलाइटिस। ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें हेयर फॉलिकुल्स इन्फेक्टेड या इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसमें बालों की जड़ों में सूजन आ जाती है, लेकिन डॉक्टर के फॉलोअप में रहने से इसको आप बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट से पहले और बाद की प्रिकॉशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। ट्रांसप्लांट से पहले ये 2 प्रिकॉशंस तो करनी ही पड़ेंगी। नंबर 1, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। हेयर ट्रांसप्लांट से 1 महीना पहले आपको स्मोकिंग और अल्कोहल को त्यागना पड़ेगा। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं जो रिकवरी को डिले कर सकते हैं, इसलिए इसको बंद करना पड़ेगा। दूसरा, मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स। डॉक्टर की गाइडेंस के बिना कोई भी ब्लड थिनर या दूसरे सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये सर्जरी के दौरान प्रॉब्लम कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद क्या करें? देखिए, पहला है डायरेक्ट सनलाइट से अपने स्काल्प को बचाएं। सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है आपके स्काल्प को इरिटेट कर सकती हैं, तो अगर जरूरी हो तो बाहर जाने से पहले स्कार्फ कर लें या कोई कैप पहन लें। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी, हैवी एक्सरसाइज या ऐसी एक्टिविटीज से बचें जिनसे करने से आपको पसीना आता है, क्योंकि पसीना आने से आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। तीसरा, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को 100% फॉलो करें, ये जरूरी है क्योंकि हर केस में थोड़े बहुत गाइडलाइंस डिफरेंट हो सकते हैं। देखिए, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते हैं, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण या रीजन हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर सीवियरिटी एंड टाइप ऑफ बाल्डनेस, जिसमें देखिए पहला होता है पीआरपी थेरेपी, जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। इस थेरेपी में आपके खुद के ब्लड से प्लाज्मा को निकाल के स्काल्प में इंजेक्ट किया जाता है, ये हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है जिससे बाल ग्रो करने में मदद मिलती है। दूसरा, मेडिकेशन को जैसे मिनिडॉक्सिल, फाइनेस्टेराइड जैसे मेडिकेशन जो हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए बिना डॉक्टर से कंसल्ट के इनको इस्तेमाल ना करें। और नंबर 3, लो लेवल लेजर थेरेपी। इसमें लो लेवल लेजर थेरेपी से स्काल्प को स्टिमुलेट किया जाता है जो हेयर ग्रोथ को प्रोमोट करता है। ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, इससे भी कुछ लोगों को फायदा मिल जाता है। बाकी आपकी चॉइस है, लेकिन ये जरूरी है कि आप पहले रिसर्च कर लें और सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई फैसला लें, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी से जरूर फायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में अपने सवाल जरूर पूछें, मेरी कोशिश होगी मैं उनका आंसर करूं, और बेल आइकन को भी दबा लें सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।